हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज हम आपको लेके जाएंगे एग्जॉटिक व्हील्स, और मैंने गियर नहीं लगाया है, और वहां पर हम लोग देखेंगे उनकी कार्स बहुत सारी। जो ये हमारी गाड़ियां होती है ना, जो हमारी लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, अगर आप उनको ब्रांड न्यू खरीदते हैं तो नो डाउट बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसी भी है जहां पर आपको ये काफी रीजनेबल रेट में मिल जाती हैं गाड़ियां। तो एग्जॉटिक व्हील्स इज वन ऑफ देम। और वहां पर कौन कौन सी कारें हैं, क्या है, वो देखते हैं। मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैं पहले नहीं गई हूँ वहां पर। तो लेट्स सी कि कौन सी गाड़ी है जो अगर हम ब्रांड न्यू खरीदेंगे तो किस रेट में मिलती है हमें, और अगर हम उनके थ्रू खरीदते हैं तो किस प्राइस में मिलती है। ठीक है, चलो। तो चलिए दोस्त, अब हम आ गए हैं एग्जॉटिक व्हील्स में। सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ यहाँ पर हिमांशु से। हिमांशु यहाँ पर जीएम है और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर आप एग्जॉटिक व्हील्स में कोई भी डील करेंगे, कुछ करेंगे, तो हिमांशु से बहुत सारी बार आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो हिमांशु, आप अपना कलेक्शन दिखाइए हमें कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। So starting with, this is a Porsche 911 Targa 4 GTS. Okay. This is one on one in country. एक ही गाड़ी है इंडिया में। सिर्फ एक है। सात आठ गाड़ियां हैं टारगा, बट उनमें से एक 4 GTS एक ही है। सो दिस इज वन ऑन वन, एक ही है गाड़ी इंडिया में, एक ही है गाड़ी। वी हैव गॉट ओनली एक्सक्लूसिव कलेक्शन। ऑल राइट, एंड दिस इज कन्वर्टिबल, राइट? दिस इज कन्वर्टिबल, यस। ओके, सो आई शो यू, यू डू इट योरसेल्फ विद दिस। सो लेट्स स्विच इट ऑन। यस, यू हैव टू कीप होल्डिंग इट, या अपवर्ड्स। सो टारगा स्पेशल इसलिए है, जितनी अदर कन्वर्टेबल कार्स हैं उन सब में पीछे फ्लैट होता है, जो उनका बैक टॉप होता है। टारगा में जो पीछे का बैक है, दैट इज ग्लास। इट इज ग्लास, हाँ। ऊपर कन्वर्टेबल्स खड़ी है, मैं उसमें आपको इसमें डिफरेंस बताऊंगा। बाकी कन्वर्टेबल्स का बैक फ्लैट होता है, इसमें ग्लास। अच्छा, ये इसका कितना प्राइस आप मांगते हैं और कितने किलोमीटर? 2016 है गाड़ी, चली है 17,000 किलोमीटर। डब्ल्यू, हाँ जी, सिर्फ 17,000 चली हुई है। डब्ल्यू बी रजिस्ट्रेशन है एंड वी आर आस्किंग 157, 1,57,00,000। 1,57,00,000 फॉर दिस, एंड इट इज़ वन इन वन इन इंडिया जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत अलग चीज़ है। हाँ, विच मेक्स इट रेयर। मूविंग नेक्स्ट, दिस इज अ बेंटली कॉन्टिनेंटल जी टी स्पीड, 2013 चली हुई, हिमाचल रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट ऑनर। और ये भी एक स्पेशल कार है बिकॉज ब्लू कलर की बेंटली एक ही है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसके ऊपर मैंसरी की लोडिंग्स हैं अराउंड 45 लाख। सो जितना भी आपको एक काला काला सब दिख रहा है कार्बन फाइबर, दिस इज ऑल 45 लाख रुपीज वर्थ ऑफ लोडिंग्स। ब्लू विद रेड इंटीरियर्स, we are asking 135, 1,45,00,000, 35 lakhs, 1,35,00,000। लवली इंटीरियर, इसमें मेंसरी किट है जो बहुत चीज़ों को एक्सक्लूसिव बनाती है। चलिए, नेक्स्ट इज रेंज रोवर SVR। ये बताइए, ये हमारे इंटरेस्ट की कार है। ये है 2018 रेंज रोवर स्पोर्ट्स SVR 5 लीटर सुपर चार्ज। ओके, एंड ये चली हुई है 22,000, गुजरात नंबर, फर्स्ट ऑनर, fully loaded with carbon fiber. This is one of the most special car because the power, जो इस गाड़ी की power है वो इसको special बनाती है, and black with red interiors. इसका कितना आप quote कर रहे हैं price? 199 lakhs, 1,99,00,000। Yes. अच्छा हिमांशु, ऐसा तो नहीं है कि हमें ये same product दूसरी जगह थोड़ा सस्ता मिल जाए? नहीं, दिस इज बेस्ट पार्ट ऑफ अस कि जो गाड़ियां मेरे पास हैं विद द नेम, वी कीप दैट, कि भाई जो गाड़ियां मेरे पास एग्जॉटिक है तो आई हैव एन एग्जॉटिक कलेक्शंस, और किसी के पास आपको मोस्टली गाड़ियां नहीं मिलेंगी। नहीं, आपकी कार्स की ना कंडीशन मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, यही मेरे को मेन अट्रैक्शन दे रहा है कि गाड़ियां बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू लग रही है। तो आपने इसमें कुछ कराया है? उसका सिर्फ रीजन ये है कि हम लोग अपनी गाड़ियों को बेबीज की तरह पैम्पर करते हैं, लाते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, कुछ अगर रिक्वायर्ड है वो काम कराते हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी सीधा आई है और शोरूम में पार्क हो गई, क्योंकि जब मैं खुश होऊंगा गाड़ी देख के तभी मेरा कस्टमर भी होगा, राइट? तो दिस इज व्हाट वी मेंटेन। सारी गाड़ियां सिरेमिक डन है, सिरेमिक कोटिंग हुई है सबके ऊपर, सब गाड़ियां पॉलिश्ड हैं,
इसीलिए आपको सारी गाड़ियाँ एज ए ब्रांड न्यू दिख रही हैं। मुझे बहुत ब्रांड न्यू दिख रही है, मतलब जैसे हम शोरूम में विजिट करते हैं वहाँ कार्स की कंडीशन है बिल्कुल नीट एंड क्लीन और कहीं पर भी कोई खराबी नहीं है। और आपने इसके ऊपर कुछ पीपीएफ और समथिंग कुछ करा रखा है, इतना शाइन कैसे? सेरेमिक करा, सेरेमिक कोटिंग्स। सारी गाड़ियां मेरी जितनी भी हैं वो शोरूम में तभी पार्क होती हैं जब वो ओके। तो जो आप प्राइस हमसे कोट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो इंक्लूडिंग योर सेरेमिक एंड एवरीथिंग, राइट? हां, एवरीथिंग इंक्लूडेड, एवरीथिंग। आफ्टर डिलीवरी जब आपने दे दी डिलीवरी, उसके बाद सपोज मेरी गाड़ी में मुझे कुछ दिक्कत होती है जी, कि मुझे यार ये हो रहा है, हाँ से कहीं से आवाज़ आ रही है या कुछ मुझे नहीं अच्छा लग रहा फिट एंड फिनिश वाइज, वो आप सपोर्ट दिए? उसका एक सिंपल सा मैंने एक फंडा रखा हुआ है, आप जब भी मेरे से गाड़ी ले रहे हैं, मैं डीलर हूँ झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ आप 10 लाख की गाड़ी लो, 2 करोड़ की गाड़ी लो, गाड़ी को लेने से पहले कंपनी भेजो, ओके, पूरा 360 चेकअप कराओ। कंपनी बोलती है गाड़ी अच्छी है तब आप लो, कंपनी बोलती है गाड़ी बेकार है आप मत लो। अच्छा, मतलब सपोज अगर हम यही पर्टिकुलर कार में खरीदती हूँ तो आप मुझे ये परमिशन देते हैं कि मैं इसको रेंज रोवर में ही भेज के गाड़ी को, रेंज रोवर में ही भेजिए, ऑथराइज वर्कशॉप में भेजिए, वहाँ पर चेक कराइए गाड़ी, अगर कंपनी बोलती है गाड़ी में ये काम है तो वो मैं करा के दूंगा, आई विल मेक श्योर कि आपको गाड़ी लेने के बाद कोई खर्चा ना करना पड़े, दैट इज वंडरफुल, राइट? तो अब देखिए मशीनरी है, कुछ भी हो सकता है, इन केस अगर फिर भी हमारे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम ऑलवेज देयर, वी हैव गुड होल्ड्स विद अदर ब्रांड्स, सब ब्रांड्स में अपने अच्छे, वी नो ऑनर्स, वी नो यू नो टेक्नीशियंस, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है वी ऑलवेज मेक श्योर कि अगर हम नहीं करा रहे तो एटलीस्ट कस्टमर का भी पैसा। और क्या सपोर्ट आप प्रोवाइड करते हैं इसमें? देखिए मेरी तरफ से सपोर्ट यही है कि मैं आपको मुझे सपोज सर्विस करानी है, अब मैं इसको सर्विस के लिए भी आपके पास भेज सकती हूं? नहीं, सर्विस के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आप गाड़ी कंपनी भेजो, क्योंकि उससे गाड़ी की हिस्ट्री मेंटेन रहती है। हां, इतना जरूर मेक श्योर करते हैं मैं कि गाड़ी आपने कंपनी भेजी है, जो भी कंपनी का बिल आया यू लेट मी नो, सो विद माय सोर्सेज अगर मैं आपके कुछ पैसे बचा पाया तो वो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ। सो वी हैव वेंडर्स फॉर टायर्स, इंश्योरेंस, एवरीथिंग, तो आपको कभी भी कोई चीज की जरूरत है आई विल डायरेक्टली पास ऑन टू योर नंबर, मैंने को उसमें कुछ नहीं रखना है, आई एम हैप्पी सेलिंग माय कार्स, सो इट्स जस्ट अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद यू एंड दोस गाइस। वाओ यार, अच्छा आपका बायबैक पॉलिसी भी है इसके अंदर? यस, सो आवर बायबैक इज वेरी सिंपल, हम लोग डे वन से डे 365 तक एक नॉर्मल मार्केट स्टैंडर्ड है, 25% डाउन 1 year and approx 8 to 10,000 kilometers depending on car to car. If it is a normal, जैसे normal luxury है तो 10,000 kilometer है, कोई sports car है तो 8,000 kilometer है, 25% एक साल, मैंने 1 crore की गाड़ी बेची, 75% की will take it back, provided आप मेरे से गाड़ी exchange कर रहे हैं। हमारे एक market में एक myth बहुत अच्छा है कि buyback उसने 25% दिया है मतलब उसकी 25% लेस करके वैल्यू सेव्ड है, डेफिनेटली सेव्ड है, बट वो एक्सचेंज वैल्यूज होती हैं, नॉट अ कैशबैक वैल्यू कि मैंने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी और एक साल बाद मैं 75 लाख वापस ले आऊंगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। दैट्स अ सेव्ड वैल्यू, सिक्योर्ड वैल्यू, आप कल को 1 करोड़ की वापस से गाड़ी खरीदोगे, 75 आपका एडजस्टेड है, 25% आपका जो काफी सारे लोग करते भी आए थे, एवरीबॉडी इज डूइंग दिस, साल चलाया और फिर दूसरी कार से एक्सचेंज कर लिया, फिर वो ले ली, फिर ये ले ली, एंड मोस्टली बिकॉज इट इज अ रेडेड डॉक्यूमेंट इसलिए 25% बोला जाता है। मैक्सिमम केसेस में होता है क्लाइंट 6 महीने बाद गाड़ी दे गया तो आपसे दूसरी भी तो ले रहा है तो वो 18 भी हो जाता है, 20 भी हो जाता है, अगर गाड़ी की डिमांड ज्यादा है तो हो सकता है कि 10% पे ही वापस लेनी पड़े, डिपेंड करता है गाड़ी की डिमांड के ऊपर और कस्टमर को हम गाड़ियां देते हैं। मेरे कस्टमर्स भी सारे ऐसे हैं, मैक्सिमम केसेस में अगर मैं गाड़ी को 90% ओके करके दे रहा हूँ वो 110% ओके करके देते हैं। अच्छा, दिस इज ऑल अ गुड पार्ट अगेन, ओके, डिपेंड्स कस्टमर टू कस्टमर कि आप कौन से कस्टमर्स को, तो आप बहुत अच्छे से कस्टमर अगर हम रहेंगे तो हिमांशु हमें काफी अच्छा प्राइस रिटर्न में दे देंगे और अच्छी और एक्सचेंज में भी कार में अच्छा खासा डिस्काउंट दे देंगे। अच्छा, कितना बार्गेन कर लेते हो, थोड़ा बहुत तो करते हो? मैं ये नहीं बोलता कि वी आर अ फिक्स प्राइस शोरूम, दैट हर्ट्स द ईगो एंड सेंटीमेंट ना, बीइंग इंडियन दुख होता है यार कि बस यही प्राइस है, इंडियंस होने की वजह से हमें वो चाहिए कि नेगोशिएशंस होनी चाहिए, लेकिन नेगोशिएशंस होनी चाहिए डेफिनेटली, बट वो एक हद तक हो, एक रिगार्ड्स हो तो समझ आता है। व्हाट हैपेंस इज लोग बाग सोचते हैं कि 1 करोड़ की गाड़ी है तो 10 लाख कम हो जाएंगे या 20 लाख कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, वी आर ओपन फॉर नेगोशिएशंस, 1 लाख 2 लाख डिपेंड करता है डील टू डील, जो बेस्ट पॉसिबल होगा हमेशा करेंगे। ओके, ऑलराइट, तो चलिए दोस्त, ये था हमारा एग्जॉटिक व्हील्स, फरीदाबाद में शोरूम है, नीचे नंबर ब्लिंक कर रहा है, डिटेल्स हैं इनके डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं, दे हैव लवली कलेक्शन, बहुत अच्छी अच्छी कार्स हैं, कुछ आपको मैंने रफली बता भी दिया, अगर आपको डिटेल चाहिए और सब चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए और पता कर सकते हैं। और देखिए आजकल की डेट में बहुत लोग जो हमें कमेंट्स करते हैं, मेल्स करते हैं कि दीदी ये बजट मेरा नहीं है, तो आप उस सेगमेंट में उसी प्राइस में थोड़ा सा डाउन जाके अगर अच्छी चीज़ आपको मिलती है देन वाई नॉट, मतलब ये मार्केट मुझे ऐसा नहीं लगता कि
सेकेंड हैंड का मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड होता है कि यार ये गाड़ियों में बहुत फॉल्ट है, तभी हम बहुत लिमिटेड चीज़ों को प्रमोट करते हैं. जैसे आपको मैंने पहले लग्जरी राइड दिखाया है, एंड द सेकेंड वन इज़ एग्जॉटिक व्हील्स. ये मेरा सेकेंड ही ब्रांड है और इसके बाद आई थिंक हम ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है. नंबर वन, हम अपने सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का ट्रस्ट हम नहीं तोड़ना चाहते, और हम किसी ऐसे ब्रांड पर नहीं आना चाहते जो इस तरीके का उनका मार्केट में ऐसी कोई इमेज हो. एग्जॉटिक व्हील्स फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इनका नाम है, और जो लोग इनके बायर्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी है इनकी सर्विसेज से. अगेन मैं मेंशन करूँगी, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, कोई इसमें पैसे वैसे नहीं लिए गए हैं, सिर्फ ये ऑडियंस की हेल्प के लिए कि अगर आप इस तरीके से कम प्राइस में लग्जरी को इन्जॉय करना चाहते हैं, चीज़ों को आप अच्छी क्वालिटी में चाहते हैं विद गुड सर्विसेज, तो आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं. और देख लीजिएगा दोस्त, अगर आपको अच्छा लगे तो. नंबर वगैरह सब आपको मैंने बता दिया है, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स में पूछिएगा हमसे.